ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है, ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा। और जिससे भी पूछो वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, IAS बनूंगा, वकील बनूंगा, लेकिन एक भी आदमी नेता बनने को तैयार नहीं है, पूछ लो। पॉलिटिक्स से गटर है बोलकर सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन कोई भी इस गटर में उतरकर उसे साफ करने को तैयार नहीं है। और देश को बूढ़े भेड़ियों के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं जिनके पास जीने के लिए जिंदगी भी नहीं बची है। तुम्हारे जैसे देश के सभी नौजवान यही सोचते हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, हाँ एक सुंदर सी लड़की शादी करने को मिल जाए और फिर बुढ़ापे तक रुपया रुपया जमा करके शहर के बाहर आधा एकड़ जमीन खरीद लेंगे, हाँ वहां 700-800 स्क्वायर फीट का एक घर बनाएंगे और घर पे पीला पेंट होगा, सामने गार्डन होगा और गार्डन में इजी चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ते हुए अपनी बीवी से कहेंगे कि डार्लिंग पॉलिटिक्स ने इस देश को खत्म कर दिया है, अरे जाओ कोई हक नहीं है किसी को पॉलिटिशियन को गाली देने का। तुम्हारी तरह महात्मा गांधी बैठ गए होते घर में बीवी बीवी बेटा बेटा करते हुए तो तुम आज भी किसी अंग्रेज के घर में लैट्रिन साफ कर रहे होते। थॉमस अल्वा एडिसन अगर घर बार नहीं छोड़ता तो क्या हमें बिजली मिलती? ग्राहम बेल अगर तुम्हारे जैसा सोचता तो क्या हम लोग टेलीफोन पे बात कर पाते? साला एक रेशम का कीड़ा भी मरने से पहले अपनी थूक से 100 साल तक अपना नाम रोशन करने वाले रेशम को देकर मरता है, हम तो फिर भी इंसान है। इसको देखो क्या पड़ी है इसे किसी की, हाँ क्या संबंध है इसका तुम्हारा? सुबह 5 बजे से बैठा है यहां तुम्हारे इंतजार में, क्या भाई यहां पे किस लिए आयो, यहां मेला लगा है क्या? हमारा देश भी मेरी तरह लंगड़ा हो गया है, आप उसे उठाकर चला दीजिए,